नमस्कार, मैं प्रज्ञा सिंह। सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जुगसलाई के लोगों का सपना होगा साकार, मुख्यमंत्री ने ओवरब्रिज का किया शिलान्यास तो विधायक ने जताया अपना विरोध। जन चौपाल में मुख्यमंत्री ने सुनी लोगों की समस्या, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। मंडल कारक में गैर सरकारी कमेटी का गठन किया गया है जिसकी जांच की जा रही है। और काली पूजा को लेकर भव्य पंडालों का हुआ निर्माण, मां की आराधना में है श्रद्धालु। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के जुगसलाई में बरसों पुरानी मांग को धरातल पर उतारते हुए राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ओवरब्रिज का शिलान्यास किया, जहां जुगसलाई विधानसभा के विधायक रामचंद्र सहीज ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए शिलान्यास पर अपना विरोध प्रकट किया है। जुगसलाई क्षेत्र की जनता पिछले कई दशकों से ओवरब्रिज की मांग को लेकर आंदोलन कर जनप्रतिनिधियों, केंद्र और राज्य सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाती थी। अब उनका सपना पूरा होता नजर आ रहा है, जहां केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से ओवरब्रिज का निर्माण 25 करोड़ की लागत से करने जा रही है, जिसका शिलान्यास राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो एवं जुगसलाई विधानसभा के विधायक रामचंद्र सहीस के अलावा तीसरी व्यवस्था के कई जनप्रतिनिधि एवं जिले के सभी वरीय अधिकारी मौजूद थे, जहां मुख्यमंत्री के हाथों दीप प्रज्वलित कर एवं शिलापट का अनावरण कर शिलान्यास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि एक साल के अंदर यह योजना धरातल पर नजर आएगी, जिसमें होने वाले खर्च को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पूरा करेगी, जो 25 करोड़ की लागत से बनने वाली है। योजना दीपावली के अवसर पर जमशेदपुर वासियों को तोहफा है। केंद्र और राज्य सरकार अपने विकासकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर नजर आए। उसी कड़ी में यह फ्लाईओवर का शिलान्यास किया जा रहा है, जो पिछले कई दशकों से लंबित था और जनप्रतिनिधि इस पर अपनी राजनीति करते थे, मगर वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार विकासकारी योजनाओं पर राजनीति कर रही है, उसे धरातल पर उतारती है। रेलवे के जो जमीन पड़ रहे थे 13 करोड़ राज्य सरकार ने देने का काम, इस रोड बनाने में 12 करोड़ यानी लगभग 26 करोड़ रुपए इस पहुंच पथ पर ही राज्य सरकार खर्च कर रहे। आरोही में भी जहां भी देश में आरोही बनते हैं उसमें 50% रेलवे मंत्रालय कंट्रीब्यूट करते हैं, 50% राज्य सरकार करती है। वो कंट्रीब्यूट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसका काम चल रहा है। आने वाले समय में पहुंच पथ भी जैसा कि बताया गया 12 महीने के अंदर ये बन जाएगी। और बरसों से इस क्षेत्र की जो मांग थी वो मांग पूरी हो जाएगी। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर मौजूद जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सहीस को मौका नहीं देने से नाराज विधायक ने जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की है, जहां विधायक का कहना है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे योजनाओं का शिलान्यास में विधायक के साथ भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है। आज जो राज्य सरकार के घटक दलों में शामिल है, ऐसे में दो कार्यक्रमों के दौरान विधायक को बोलने का मौका नहीं दिया, जो राज्य सरकार की गलत नीति को उजागर कर रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रमों पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं, ऐसे में आजसू भी अपनी आवाज को बुलंद कर गलत नीति के खिलाफ आंदोलन करेगी। हम विकास के पक्षधर हैं, मगर अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस इसलिए है कि मेरा विधानसभा में सरकारी कार्यक्रम हो रहा, मैं क्षेत्र का स्थानीय जनप्रतिनिधि हूँ और मुझे बोलने दिया नहीं गया, तो इस कहीं ना कहीं मेरे साथ जिला प्रशासन और सरकार, मैं दोनों को ही बोलेंगे, मेरे साथ अन्याय किया, मेरे साथ भेदभाव किया, मुझे भी बोलने देना चाहिए था। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर के धान चटानी में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां आम जनता से सीधे रूबरू होते हुए लोगों की समस्याएं सुनी और राज्य का विकास कैसे हो इस पर मुख्यमंत्री ने आम लोगों को सुझाव दिया। जनता को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने साफ कर दिया है कि सरकारी नौकरी मात्र 1% है, बाकी बचे झारखंड की जनता खेती करे और वह भी ऑर्गेनिक खेती, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्जी देश ही नहीं विदेश में भी इसकी डिमांड है और सरकार हर संभव सहायता करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने 2022 तक पूरे झारखंड में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने का वादा किया है,
वैसे मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि दिसंबर माह तक जमशेदपुर को संपूर्ण बिजली मिलेगी, यानी रामगढ़, धनबाद और रांची के बाद जमशेदपुर जिला होगा जहां संपूर्ण बिजली होगी, चाहे वह पहाड़ हो या जंगल, हर जगह बिजली पहुंचाई जाएगी। के पास ज्ञान है कि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकता, 1% है सरकारी नौकरी, तो आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को उन्नत किसान बनकर उन्नत तकनीकी का उपयोग कर हम अधिक से अधिक कैसे पैदावार करें, कैसे हम ऑर्गेनिक खेती करें, क्योंकि एक केमिकल खेती होने से खेत बंजर होता जा रहा। जमशेदपुर में दीपावली की खुशियां समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से समर्पण संस्था द्वारा दिए एवं पटाखों का वितरण गरीब असहाय लोगों के बीच किया गया, जहां राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के पुत्र ललित दास गरीब की कुटिया में दीप जलाते नजर आ रहे हैं। समर्पण संस्था के द्वारा नंद नगर में गरीब असहाय लोगों के बीच दिया एवं पटाखों का वितरण कर दीपावली की खुशियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जहां समर्पण संस्था के संस्थापक एवं राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के पुत्र ललित दास गरीबों के बीच पटाखों का वितरण कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, जहां सैकड़ों की संख्या में गरीब असहाय लोग इस छोटे से उपहार को पाकर खुश नजर आ रहे थे। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए ललित दास ने कहा कि गरीब की झोपड़ी में दीप जलाकर उनकी जिंदगी में उजाला लाने का प्रयास हमारी संस्था के द्वारा किया गया है, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोग हैं, जहां हम दीपावली की खुशियां इन लोगों के साथ मिलकर मनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा। हमारी संस्था के द्वारा हर वर्ष दिवाली के अवसर पर गरीब लोगों के बीच में खुशियां बांटने का प्रयास किया जाता है। आज लोक समर्पण संस्था नवजीवन आश्रम के बीच में दिवाली के शुभ अवसर पर दिवाली कुछ सामग्री होती है, जैसे पटाखे, मीठा, दिया, तेल, आज हम लोगों ने वितरण किया। आज मैं बेहद खुशी हूँ कि आज मैं इस आश्रम के बच्चे के बीच में, बुजुर्ग के बीच में आज दीपावली बना रहा हूँ, और मैं आग्रह करूँगा पूरे प्रदेशवासियों से कम से एक गरीब के यहाँ, घर के यहाँ एक दिया जला दे। वहीं घाघीडी केंद्रीय कारा और घाटसिला कारा के लिए कारा मैनुअल के अनुसार गैर सरकारी कमेटी का गठन किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसी अमित कुमार ने सिटी न्यूज को बताया कि कारा मैनुअल के अनुसार यह कदम उठाया गया है। कमेटी सुरक्षा मानक को छोड़कर कारा की व्यवस्था और आधारभूत संरचनाओं के संबंध में डीसी को सुझाव देगी, सुझाव के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कमेटी के सदस्य प्रत्येक पखवारे में कारा का निरीक्षण करेंगे ताकि बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। डीसी के अनुसार कैदियों से मुलाकातियों के लिए अलग व्यवस्था करने की कार्य योजना भी इसमें शामिल है। जेल मैनुअल में ही दिया हुआ है कि विजिटर्स का एक टीम जो है वो बनेगा एंड डीसी विल अप्रूव दी लिस्ट ऑफ द मेंबर्स। तो हम लोगों ने घाघीडी सेंट्रल जेल का और साथ ही साथ जो है वो घाटशिला सब जेल के लिए जो है वो विजिटर्स की नई सूची जो है वो बनाई है, जो 2 साल तक के लिए मान्य होगी, और इनका उद्देश्य है कि सुरक्षा मानकों। और झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरयू राय जमशेदपुर पहुंचे। इस दौरान मंत्री सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया और क्षेत्र के विकास कार्यों का जायजा लिया। वहीं मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र के कदमा, भाटिया बस्ती, मंदिर पथ आदि जैसे तमाम क्षेत्रों का दौरा किया, जहाँ सरकार की ओर से विकास कार्य कराया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से क्षेत्र में विकास के काफी काम कराए जा रहे हैं। वैसे मंत्री ने संवेदकों को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि क्षेत्र में विकास कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, इसका ख्याल रखें। भाटिया बस्ती कदमा की सबसे घनी बस्ती है, बहुत बड़ी आबादी इसमें है, और यहाँ की सड़कें, नालियाँ अधिकांश हम लोगों ने बनवाया है, पर कहीं कहीं कुछ हिस्सा छूट गया है। कोई समस्या है लोगों को बिजली का, पानी का, तो हम लोग घूमकर मिलकर लोगों से ये जानना चाह रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो आज देखकर अच्छा लग रहा है, काफ़ी काम इस बस्ती में हुआ है, जो काम बचा हुआ है उस काम को भी हम लोग नोट कर रहे हैं और इस काम को भी हम लोग करेंगे ताकि बस्ती एक अच्छी बस्ती बने। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। पूरनमल अग्रवाल, पूरनमल अग्रवाल जहां है साड़ियों का संग्रह बेमिसाल। जी हां, हर अवसर, शादी, ब्याह, पार्टी,
हर मौके के लिए पूरनमल अग्रवाल में है आपकी पसंद की लाजवाब साड़ियाँ, वेडिंग साड़ीज, बनारसी साड़ियाँ, डिजाइनर साड़ियाँ, फैंसी साड़ियाँ, कांजीवरम, सुपर नेट, कॉटन, जयपुरी, तांत, प्योर सिल्क के साथ साथ मनमोहक डिजाइनों और आकर्षक रंगों में लहंगा चुन्नी की विशाल रेंज, और साथ ही पुरुषों के लिए है शानदार रेमंड्स के सूटिंग शर्टिंग। पूरनमल अग्रवाल जो वर्षों से आपके विश्वास की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आपको शानदार वस्त्रों से सजाया है। पूरनमल अग्रवाल, शॉप नंबर 2728 साक्षी बाजार, जमशेदपुर, फोन 2435138 और 9431329002। गोलछा साड़ी सेंटर, गोलछा साड़ी सेंटर अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अपने रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल नंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657-2438616, 9833551212, 9433111366। प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास, राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCV, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोशकार लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-654-1111।
3741, मोबाइल नंबर 09801495586 और 09973770707, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना में सामाजिक अकेंचन को लेकर एक जन सुझावी कार्यक्रम जमशेदपुर के मानगो स्थित राजस्थान भवन में मानगो नगर निगम द्वारा आयोजित की गई, जिसकी विधिवत उद्घाटन मंत्री सरयू राय ने किया। इस मौके पर मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और अन्य पदाधिकारी के साथ भाजपा के नेतागण मौजूद रहे। यहां आवास मिले लाभुकों के बीच प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आवासों को लेकर लोगों के बीच अकेशन किया गया और उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है उस पर चर्चा की गई, जिसमें लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तारीफ की है और कहा है कि इस योजना से उनको यही लाभ मिला है कि उनको छत मिल गई है। वहीं मानगो के क्षेत्र में करीब 461 प्रधानमंत्री आवास योजना में सैकड़ों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इन लोगों के लिए जो घर बन रहा है, उस कार्यक्रम की आज सामाजिक अपेक्षण हुआ है, उसकी आज जन सुनवाई हुई है। लोगों का संतोष असंतोष पता चलेगा, कमी पता चलेगी, आगे और हम लोग इसमें सुधार करेंगे और बेहतरी के लिए कार्यक्रम। आपने कुछ सुझाव भी दिए हैं ऑडिट के? सुझाव देने में कोई पैसा नहीं लगता है, सुझाव तो 10 आदमी 10 तरह का दे देगा, मुझे समझ में, हमने भी दे दिया। वहीं लौह नगरी जमशेदपुर में काली पूजा की धूम देखते ही बन रही है। शहर में एक से बढ़कर एक काली पूजा का पंडाल का निर्माण किया गया है। शहर में कई काली पूजा पंडालों का उद्घाटन किया गया। बिष्टुपुर स्थित काली पूजा पंडाल का उद्घाटन भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार शुक्ला ने किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता राकेश तिवारी भी मौजूद रहे। वहीं सिद्धगोड़ा के हर हर महादेव काली पूजा पंडाल का उद्घाटन झामुमो नेता आस्तिक महतो ने किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। शहर में काली पूजा भी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको लेकर शहर में एक से बढ़कर एक पूजा पंडालों का निर्माण करवाया गया। काली पूजा के बाद 8 नवंबर को भोग वितरण का कार्यक्रम रखा जाता है। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर की रहने वाली एक महिला को उसके पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। जब महिला ने इस बात की शिकायत अपने ससुराल वालों से की, तो उल्टा ससुराल वालों ने उसे ही गलत आरोप लगाते हुए उस पर मामला दर्ज कर दिया। इस मामले में सोमवार को पीड़िता ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की है। इस मामले में पीड़िता ने कहा कि वे अपने पति के साथ कासिडी में रहती हैं और उनका ससुराल बहरागोड़ा में है। पिछले कई महीनों से उनके पति के द्वारा उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों इसकी शिकायत को लेकर वे अपने ससुराल बहरागोड़ा गई हुई थी और वहां उन्होंने सभी बातें अपने ससुराल वाले के समक्ष रखी, लेकिन वहीं ससुराल वालों ने इन बातों को दरकिनार कर उल्टा महिला पर ही रंगदारी मांगने का आरोप लगा दिया है। पीड़िता बताती है कि उस पर बहरागोड़ा थाने में मामला दर्ज कराया गया है और वहां के थाना प्रभारी के द्वारा उन्हें फोन पर गाली देते हुए तलाक लेने की धमकी दी गई है। पीड़िता ने इस मामले में जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर इस पर न्याय की मांग की है। मेरे हस्बैंड के साथ 7-8 महीने से वो मुझे बहुत दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और मुझे तलाक तलाक देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दहेज मांग रहे हैं 20 लाख रुपए। तो वो उन्हीं को समझाने के लिए मैं अपने ससुराल, हम रहते हैं या हम लोग रहते हैं काशीडी कुमार पड़ा पे, तो उनके बेटे को समझाने के लिए मैं अपने ससुराल बहरागोड़ा गई कि आप अपने बेटे को थोड़ा समझाइए, मुझे इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है। तो उन्होंने उल्टा मुझ पर केस किया है कि मैं रंगदारी मांगने वहां गई थी उनको धमका करके, और उल्टा मुझ पर केस किया है और वहां के थाना प्रभारी ने मुझे फोन करके मुझे गाली गलौज किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा और इस बार भी दोनों ही राज्यों में भाजपा का कमल खिलेगा। जबकि भाजपा इस बार भी मजबूत स्थिति में है, यह बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पश्चिमी सिंहभूम सांसद लक्ष्मण गिलुवा ने कही। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा सोमवार शाम सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित MIG सार्वजनिक काली पूजा पंडाल के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस मौके पर गिलुवा ने कहा कि रामलला का मंदिर जन्म स्थली पर ही बनेगा, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि हर हाल में अयोध्या में राम मंदिर बनकर रहेगा। साथ ही उन्होंने इस मौके पर मां काली से राज्य के खुशहाली और तरक्की के साथ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी के जीत की कामना की।
इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, 20 सूत्री सदस्य और सार्वजनिक काली पूजा पंडाल के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश शुक्ला, टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आर रवि कुमार के अलावा बड़ी संख्या में गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। श्री सार्वजनिक काली पूजा कमेटी MIG द्वारा प्रति वर्ष की तरह इस बार भी हर्षोल्लास के साथ काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। वर्षों से यहां विधि विधान के साथ मां काली की आराधना की जाती रही है, जबकि 5 दिवसीय काली पूजा में इस बार भी आगामी 8 नवंबर को भोजपुरी संगीत संध्या आकर्षण का केंद्र रहेगी, जहां भोजपुरी की प्रसिद्ध गायिका निशा पांडे और प्रियंका सिंह अपने गीतों की महफिल से शमा बांधेंगी। वहीं आयोजित काली पूजा उद्घाटन समारोह के दौरान निर्धन और जरूरतमंद 1000 लोगों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। आज के मामले में हमको आप पूछेंगे तो भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, ये प्रमाण है। उनके राम मंदिर उनके जन्म स्थल पर बनना ही चाहिए। पूजा प्रांगण में सरकार आपकी है, इसके लिए सरकार अपने तरीके से आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग कुछ भी सोचेंगे। मंदिर बनाने के लिए जैसा भी मामला कोर्ट में है, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि छठ महापर्व को देखते हुए JNAC छठ घाटों की साफ सफाई के कार्य में जुट गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए JNAC के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने मीडिया को बताया कि छठ घाटों की साफ सफाई के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इसके लिए मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि छठ महापर्व में व्रतधारियों एवं श्रद्धालुओं के लिए छठ घाटों पर बैलून एवं फूलों के प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। आम जो कैदियों के जो परिजन हैं वो वहां तक अपनी शिकायतें अपनी बातें कर सके, शायद वो लोग जेल कैंपस में होने के कारण से और संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण से वहाँ पर आम लोगों की पहुँच नहीं है, तो इसको हम लोग एक करेक्टिव मेजर्स के रूप में ले रहे हैं ताकि आगे आने वाले दिनों में प्रोबेशन का जो लाभ है वो लोगों को मिल सके। वहीं दूसरी ओर MGM अस्पताल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां 2 साल वाले नवजात शिशु ने जन्म लिया है। कवाली के रहने वाले सागर भगत ने बताया कि 12 दिन पहले उन्होंने MGM अस्पताल के प्रसव विभाग में पत्नी को भर्ती किया था। मंगलवार सुबह 9:30 बजे बच्चे ने जन्म दिया, जिसके 2 सर हैं। उन्होंने जानकारी दी कि अस्पताल के प्रसव विभाग के डॉक्टर की सलाह पर बाहर से दवा खरीद कर दी गई है। दूसरी तरफ अस्पताल के अधिकृत डॉक्टर SK झा ने बताया कि मेडिकल साइंस में इस प्रकार के बच्चे को क्नेजिकल इनोमिलिंग कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रसव विभाग के डॉक्टर इस नवजात शिशु का इलाज कर रहे हैं। उसके बाद बच्चा को ले गया दूसरा रूम डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोला एडमिट करो, तो हम एडमिट भी कर दिए। उसके बाद हमको कुछ रिपोर्ट नहीं मिला है, जो दवाई लिख के दिया दवाई भी ला के दे दिए। दूसरे बच्चे से कुछ अलग दिख रहा हो? हाँ, अलग दिख रहा। कैसा दिख रहा? वही ब्लडर पीछे में है। सर, आज MGM अस्पताल में एक बच्चे का जन्म हुआ है, उसके देखने में ऐसा प्रतीत है 2 मुंडी 2 साल उसका, मेडिकल रिपोर्ट में से क्या कहते हैं सर और क्या इसका था? इसके लिए आप स्त्री विभाग अध्यक्ष और शिशु रोग विभाग अध्यक्ष से मिल लें, वो आपको ज्यादा डिटेल जानकारी भी देंगे। ऐसे से क्या कहा जाएगा मेडिकल टर्म में क्या कहा? ये है, इसको कहते हैं कंजेनिटल एनोमली। वहीं दूसरी ओर आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। बूथ जीतो चुनाव जीतो के मूल मंत्र के साथ भाजपा हर बूथ को मजबूत करने में जुटी है। इसके तहत विधानसभा वार समीक्षा का काम चल रहा है। प्रदेश भाजपा के निर्देश के आलोक में सरायकेला विधानसभा के हर बूथ की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें हर बूथ पर अनिवार्य रूप से कम 25 कार्यकर्ताओं की टीम बनाने को लेकर सहमति बनी। इस बारे में जानकारी देते हुए सरायकेला विधानसभा के संयोजक हरे कृष्ण प्रधान ने कहा कि भाजपा को विपक्षी दल के महागठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी पार्टी हर बूथ को मजबूत कर चुनाव लड़ेगी व जीत हासिल करेगी। हम वहाँ 14 के 14 विधानसभा सीट जीतेंगे, ये रिपोर्ट हमारे पास है। इसी तरह का ही कोशिश और समूचा छत्तीसगढ़ प्रांत का पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार 2018 दिसंबर में हम लोग बनाए, बाकी प्रदेश भी बहुमत की सरकार बनने वाली है। अभी आदरणीय चौहान जी का जो पोजीशन है
और कार्यकर्ताओं जो जिस मन के साथ वहाँ काम कर रहे हैं उससे ही आप स्पष्ट हम बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की राजस्थान का क्या। दूसरी ओर सरायकेला जिले के आदित्यपुर में नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में आदित्यपुर विकास समिति के द्वारा छठ व्रतियों माताओं बहनों के बीच पूजन सामग्री का वितरण इस वर्ष भी किया जाएगा। आगामी 9 नवंबर को प्रातः 11 बजे कुलपटांगा मध्य विद्यालय रोड नंबर 15 आदित्यपुर 2 के प्रांगण में 600 मिट्टी के चूल्हे का वितरण, 10 नवंबर को प्रातः 11 बजे लौकी का वितरण एवं 11 नवंबर को प्रातः 11 बजे 50 क्विंटल आम की लकड़ी, मिट्टी और गेहूं का वितरण करेगी। पुरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि 12 नवंबर को कुलपटांगा छठ घाट पर शाम 4 बजे एक जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी के साथ साथ जल संरक्षण, ट्रैफिक नियम, महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति अभियान, आयुष्मान भारत योजना के संबंध में जागरूक किया जाएगा। पुरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि कॉर्पोरेट सेक्टर से प्राप्त 2 जेसीबी एवं 2 डंपर के माध्यम से विभिन्न छठ घाट समितियों से अनुरोध पर छठ घाट पहुंचने के पथ की मरम्मत करवाई जाएगी। श्री राम मंदिर नवयुवक दुर्गा पूजा एवं काली पूजा कमेटी द्वारा कुलपटांगा छठ घाट पर छठ व्रती माताओं बहनों एवं श्रद्धालुओं के लिए सहायता शिविर लगाया जाएगा। शिविर में प्राथमिक उपचार सहित कॉफी, पानी और अर्घ के लिए दूध की व्यवस्था रखी जाएगी। इसको क्लब के तत्वाधान में छठ व्रती माताओं और बहनों के लिए 600 मिट्टी के चूल्हे, 5000 लौकी, 50 क्विंटल आम की लकड़ी का वितरण 9 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच वितरित किया जाएगा। साथ ही साथ 12 नवंबर के कुलपटांगा छठ घाट पर शाम 4 बजे एक जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी कार्यक्रम। चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। जुगसलाई के लोगों का सपना होगा साकार, मुख्यमंत्री ने ओवरब्रिज का किया शिलान्यास तो विधायक ने जताया अपना विरोध। जन चौपाल में मुख्यमंत्री ने सुनी लोगों की समस्या, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। मंडल कारक में गैर सरकारी कमेटी का गठन किया गया है जिसकी जांच की जा रही है। और काली पूजा को लेकर भव्य पंडालों का हुआ निर्माण, मां की आराधना में है श्रद्धालु। आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।